हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अर्न मनी जॉब। हाँ जी, आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर है। कल आप कीता सी बेसिक कॉन्सेप्ट ते कुछ सम्स कीते सी, आज भी आप अगो करना है, पर मैं तानू कल दे रिलेटेड पहला दो सम्स करवाने लगी हां, सिर्फ तुहाडी ओवरव्यू लई। मतलब कह लो कि मैं ये देखना चाहनी हां कि तुसी कल वाला लेक्चर देखा कि नहीं देखा, ते तुसी खुद फाइंड आउट करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है जी, नहीं तो फिर मैं तो करवा ही दूंगी तुम फाइंड आउट। देखो इन की गल कही है, ए शॉपकीपर सोल्ड टू आइटम्स, ऑन फर्स्ट आइटम ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 20%, ऑन सेकंड आइटम ही इनक्योर्स लॉस ऑफ 10%। ठीक है जी, अगो उन्होंने की गल की, इफ सीपी ऑफ द फर्स्ट आइटम किंदे इक्वल कही है, ऑफ द इज इक्वल टू द एसपी ऑफ द सेकंड आइटम। ठीक है, देन कैलकुलेट हिज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इन द ओवरऑल बिजनेस। उन्होंने पहली गल तो की कही है, वो कहते एक पहली आइटम उन्हें खरीदी, पहली आइटम उन्हें सॉरी वेची, किन्ने दे आन प्रॉफिट करके, आन कीता प्रॉफिट मतलब प्लस किन्ना 20%। ठीक है, सेकंड आइटम वेची लॉस ते 10% दे, सेकंड आइटम दे विच उन्हों 10% की होया लॉस होया। क्लियर है जी, इथों मेरे को की आ जाएगी, इथों मेरे को फ्रैक्शन आ जाएगी, इनकी फ्रैक्शन मेरे को कितनी आ जाएगी 1/5, इनकी फ्रैक्शन मेरे को कितनी आ जाएगी 1/10, ये तो तुम सबनों हुन पता ही है। ठीक है, मैं गल करती हूं सीपी ते एसपी दी। ठीक है, मैं रेशियो दे हिसाब नाल पहला की करूंगी, मैं सीपी ते एसपी फाइंड आउट कर लूंगी। फर्स्ट आइटम दे विच जे मेरे को सीपी 5 है, मेनू प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को एसपी कितनी बन गई 6, यस और नो, क्योंकि नीचे वाली सीपी हुंदी है, ऊपर वाली प्रॉफिट या लॉस अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। हां जी, 10 नीचे एसपी 10 होगी, सॉरी सीपी 10 होगी, तो एसपी मेरे को क्योंकि 10 माइनस नो, क्योंकि लॉस हुंदा पे है, आ 9 होगी। क्लियर है नी गल? ठीक है, हुन उन्होंने की गल कही है, वो कहते इफ सीपी ऑफ द फर्स्ट आइटम, पहली आइटम दी सीपी, ठीक है, इज इक्वल टू द एसपी ऑफ द सेकंड आइटम, सेकंड आइटम दी एसपी। वो कहते अगर ये दोनों चीजें आपस विच इक्वल हो जान, तो मैं देखना है मैनू ओवरऑल प्रॉफिट हुंदा पे कि लॉस हुंदा पे। ठीक है, मतलब मैनू इन्हें दोनों इक्वल करना पड़ेगा, इन्हें दोनों इक्वल करना पड़ेगा, तो दैट मीनस मैनू एलसीएम लेना पड़ेगा। जे मैं एलसीएम लवानगी, तो जे मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैनू इन्हें भी तो करनी पड़ेगी ना। समझ गई मेरी गल कि देखो मैनू इन्हें दोनों इक्वल करना है, इक्वल करने लिए मैनू की बनाना पड़ेगा 45। ठीक है, दैट मीनस मैं इन्हू की करांगी मल्टीप्लाई 9 नाल। जे मैं इन्हू 9 नाल मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैनू इन्हू भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन दोनों किन्दे विच लैके चल रहे हैं, रेशियो दे विच। जो आप चीजें नू रेशियो दे विच लैके चलते हैं, तो रेशियोज अपने आपस दे विच की हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है। जो डिपेंडेंट हो जाती है, तो जे एक नाल कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो दूजी नाल भी करनी पैंदी है। ठीक है, सेम विद दिस कि इन्हू मैनू बनाना पड़ेगा इन द इक्वल, इक्वल बनाने मैनू 5 नाल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जे मैनू इन्हू 5 नाल मल्टीप्लाई करना पैना, तो मैनू इन्हू इन्दे नाल भी करना पड़ेगा। चलो हाँ जी, 9 5 = 45, 9 6 = 54, 5 10 = 50, 5 9 = 45। टोटल देखो हुन आपां फाइंड आउट की करना है कि सानू बिजनेस दे विच प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मैं देखा मेरे को टोटल आ तो दोनों मेरे को इक्वल आ गया ना हुन, क्योंकि उन्होंने की कहा कि इफ सीपी ऑफ द फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू द एसपी ऑफ द सेकंड आइटम, मैं इन्हें दोनों इक्वल बना लिया। ठीक है, हुन मैं इन्हें दोनों देखूंगी किन्ने हो गए 95, ये किन्ना हो गया 99। ठीक है, हुन देखो तुहानू की हो रहा है, तुहानू 4 दा की हो रहा है, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 95 ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 99, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਪੀ ਤੇ, ਸੀਪੀ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਚਲੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 19 ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ 20 ਤੇ ਗਿਆ, 80/19। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 4/19। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, क्लियर है, यस और नो, इनू कट के 20 आया, इन तुसी डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, यस और नो, क्लियर है जी, बिल्कुल ठीक है। 19 4 = 76 हुंदा है, 76 नू जदों 4 नाल प्लस करोगे 80 हुंदा है। क्लियर, एंड दिस इज माई आंसर। ते तुहानू की होया, प्रॉफिट होया कि लॉस होया, सीपी कट सी, एसपी की सी की ज्यादा, आ तुहाडे पैसे जेब च, सीपी की हुंदी, मैं तुहानू की गल कही सी, जेड़ी चीज तुहाडी जेब चो जांदी है, एसपी की है जेड़ी तुहाडी जेब च आंदी है, तुहाडी जेब चो गए 95, तुहाडी जेब दे विच किन्ने आए 99, ते तुहानू की होया, बेनिफिट होया ना। क्लियर है, यस और नो, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ सीपी ए ना किसी पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी, मैं इंपोर्टेंट ता लिख रही हूं क्योंकि किसी पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है और रिलेटेड टू द प्रीवियस वन है, ठीक है। इफ सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ एसपी, वो कहने जे सीपी साढ़े को सीपी 40% ऑफ एसपी, 40% तो आर्टिकल की होंगे 2/5 ऑफ एसपी, तो तुहाडी सीपी ते एसपी किन्नी बन जाएगी 2/5। यस ओर नो, ए वैसे जरूरत नहीं सी मेरे लिखने की, मैं डायरेक्ट यही लिखनी सी चीज। हुन उन्होंने की गल कही है, वो कहते अगर साडी सीपी ए ए ए चीज हो गई थी परसेंट ऑफ द सीपी, असि सी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, सीपी दी परसेंट कढ़नी है, सीपी में को किन्ने 5 इज ऑफ द एसपी, एसपी दे कंपैरेटिव, ठीक है, एसपी फिर मैं नीचे ले, सॉरी एसपी दी कढ़नी है सीपी दे कंपैरेटिव, एसपी दी कढ़नी सीपी दे कंपैरेटिव, फिर इस करके मैं ऊपर एसपी ले लिया, नीचे मेरे को की आ जाएगा सीपी ना मल्टीप्लाई 100, इनकी मैं कटिंग की 50, मतलब 250% इज माई आंसर। क्लियर है जी, वेरी सिंपल वेरी इजी, जेडी चीज उन्होंने कही है हूं आप कुछ कंपेरिजन नहीं किया, हूं आप बस सिंपल सीपी ते एसपी देखी किन्नी है, वह भी अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, ठीक है। उन्होंने जेडी जेडी चीज कही वह कहते कि असी परसेंट कढ़नी है, एसपी की परसेंट कढ़नी है इज ऑफ द सीपी, सीपी दे कंपेरेटिव, इस करके मैं सीपी की नीचे ले लीती, एसपी की जो एक्चुअली दिती हुई सी रेशो मैं उपर ले ली, तो मेरे को आंसर आ गया। क्लियर है जी, किसी किसी भी चीज किसी भी तरह का डाउट, क्लियर। चलो कम टू द नेक्स्ट, हूं आप नेक्स्ट टॉपिक करांगे, इनका टॉपिक करने तो पहला मैं तुम्हें दस देना चाहनी हाँ कि मेरी हर वीडियो के नीचे तुम लिंक्स प्रोवाइड किए गए ने नोट्स के, पंजाब एग्री पंजाब पटवारी एग्रीकल्चर के नोट्स है थ्योरी विद एमसीक्यूज, ठीक है। इस तो बाद पेपर च कुछ नहीं आएगा, तुम्हें पता आई थिंक 7 अगस्त एग्जाम है ना, ठीक है, इन डाउनलोड करके तुसी आपकी प्रिपरेशन इजीली कर सकते हो, प्रिपरेशन कहना मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, हुण तां तुहाडे कोल टाइम बहुत घट है। नेक्स्ट है पंजाबी ग्रामर नोट्स, ठीक है जी, पंजाबी भी सानू पंजाब दे पेपर दे विच आंदी है, ठीक है, ते बैटर है तुसी इग्नोर ना करो, थ्योरी भी है एमसीक्यूज भी है, ते इन्हां नू डाउनलोड करके तुहाडी तैयारी करनी स्टार्ट करो, ठीक है जी। चलो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हां जी नेक्स्ट पहला बेसिक समझो, बेसिक किन्दे ते है हुन देखो डिस्काउंट, कि जदो सानू डिस्काउंट वाले सम्स दिते होणगे ते असी ओ किद्दा करदे ने, क्योंकि तुहानू पता है कि डिस्काउंट सानू किन्दे ते हुंदा है, मार्क प्राइस ते ना, आपां नू पता ही नहीं चीज, कोई आपां कहीए आपां नू सीपी ते तां नहीं ना हुंदा, कोस्ट प्राइस ते सानू किन्दे जिहड़ी सानू कोस्ट पई है, जिहड़ी साडी जेब चो पैसे निकले ने, ठीक है, उन्दे ते तां कदे भी डिस्काउंट नहीं होगा, डिस्काउंट कितने ते होगा मार्क प्राइस जेड़ा असी खुद मार्क किया हुंदा है उन्दे ते, क्लियर है। सपोज करो मैं कहनी है एक चीज है उन्दे ते मार्क प्राइस लिखा होया है इन्ना 5000 रुपीज, ठीक है जी, ते उन्दे ते इत्थे हां जी उन्दे ते 3000 दी मैं वेच दित्ती, मतलब एसपी बन गई उन्दी 3000, ठीक है, मतलब की है उन्होंने किन्ने का डिस्काउंट हो गया 2000 का। सिंपल जी गल है कि एक चीज की मार्क प्राइस इनी सी, ठीक है, कोई भी सपोज करो आप ही शॉपकीपर हाँ, उनकी मार्क प्राइस इनी सी, आप कस्टमर कहता भाई नहीं नहीं ये तो बहुत महंगी है, तो मैं चलो ठीक है जी तुम 2-3000 रुपया दे दो, जो तुम 3000 रुपया देंगे हो तो मतलब मेरी सैलिंग प्राइस की बन गई 3000, ठीक है, पर मैं उन्होंने डिस्काउंट किन्ना दे दिता 2000 का, क्लियर है जी। हूं जे मैं यही डिस्काउंट मैं वेखिया मैं किन्ने परसेंट का डिस्काउंट दिता, मैं किन्ने परसेंट का डिस्काउंट दिता, मैं किदा फाइंड आउट करूंगी, डिस्काउंट जो हो दिता है मैं अपोन, मैं डिस्काउंट किन्ने का दिता है, मैं मार्क प्राइस से दिता डिस्काउंट, क्लियर है मेरी गल, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरोज 2 जीरोज इन गया तो मतलब मैं किन्ने किन्ने का उन्होंने दिता है, मैं 40% डिस्काउंट दिता उन्होंने, मैं किन्ना डिस्काउंट दिता है 40%। इस करके तुहानू इत्थों की पता लगा, हाँ ये चीज नू नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि आपा सीपी ते एसपी नाल कंफ्यूज नहीं होना, जदो डिस्काउंट दी चीज आंदी है ना, जदो डिस्काउंट दी चीज आंदी है डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन, डिस्काउंट किन्दे ते होएगा ऑलवेज ऑन एमपी मार्क प्राइस ते होएगा, हमेशा डिस्काउंट किन्दे ते होएगा मार्क प्राइस ते होएगा, क्लियर है। हुण तुसी मैं एक तुहानू सिंपल जी एग्जाम्पल देनी, तुसी किसे मार्केट ते मार्केट जांदे हो, ठीक है, जदों भी तुहानू शॉपकीपर कोई भी
कोई भी शॉपकीपर तुसी कदी भी ध्यान अजे देखा होना है, ठीक है, तू तुहानू लैस करदा है, वह किंदे ते लैस करदा तुहानू, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਦੇਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਘਟੇ ਗਈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 5000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 5000 ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 5000 ਦੀ ਚੀਜ਼ 5000 ਚ ਵੇਚਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਹੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਫਸਟ ਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ 30%, ਫਿਰ 20%। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ 100% ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਹੈ, 50% ਜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 30% ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 20% ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 50% ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਆਪਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਦਾ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਵੀ 100% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 100% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, 100% ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 30%, ਫਿਰ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, 20%। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਿਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਗੱਲ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਤਲਬ -50% ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 50% ਮਤਲਬ 50 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 50 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ, 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ, ਤੇ 50 ਦਾ 30% ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 15, ਮਤਲਬ -15 ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, -15। 50 ਦਾ 30% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 15, -15 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 35। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? 35 ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 35 ਦਾ 20% ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 20% ਕੀ 7 ਰੁਪਏ, 35 ਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 7। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ 7, 15 ਚੋਂ 7 ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 8, 28। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਖੀਰ ਤੇ, 28 ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 100 ਸੀਗਾ, ਆਹ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਕੇ 50 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ, 35 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ 7 ਰੁਪਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਈ, 28, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਡ ਸਕਸੈਸਿਵ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋਰਟ ਮੈਥਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਕਵੀਵੈਲੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੱਢੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀ ਇਕਵੀਵੈਲੈਂਟ ਕਿੰਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ x% ਐਂਡ y% ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕਵੀਵੈਲੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ x + y - xy / 100 ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ 20% ਤੇ 10% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਕਵੀਵੈਲੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੱਢੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ 20% + 10% 30 ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 20 ਤੇ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 200 ਨੀਚੇ 100 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ 2% 200% ਆਏਗਾ ਨਾਲ 30% - 2% ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 28% ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 28% ਹੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਸ ਦੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸ਼ੋਰਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ 12.5 ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ 37.5 ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਲਿਊਸ 50 30 40 60 ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਐਮਪੀ ਤੇ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰਟ ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਸਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਕਵੀਵੈਲੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੱਢੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ 1/9 ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/8 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਲਗਾਉਂਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਉਂਗੀ ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ 9 ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 8 ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 7 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੱਟੀ ਗਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 9 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 7 ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ ਸਕਸੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਯੈਸ অর ਨੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕਵੀਵੈਲੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਚ 7 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ 2 ਰੁਪਏ ਘਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਘਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2/9% ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ
की हो रहा सी 2 रुपए का की हो रहा सी डिस्काउंट हो रहा सी। क्लियर है जी मेरी गल कि हाउ टू अपलाई सक्सेसिव मेथड ऑन द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। जदों भी तुहानू इक्विवेलेंट डिस्काउंट करना है तुसी सक्सेसिव मेथड लगा लेना है। जदों सानू चीजां नू फ्रैक्शन या डेसीमल दे विच दित्तियां तुहानू पता है तुहानू फ्रैक्शन ते डेसीमल च तुहाडे कोल डायरेक्टली रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉरी रेशियो दे विच या तुसी कह सकदे हो कि तुहाडे कोल डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यूज हुंदियां ने जिन्हां दी तुसी हेल्प दे नाल नीचे वाली चीज तुहाडे कोल मार्क प्राइस हो जाएगी उत्ते वाली चीज तुहाडे कोल की हो जाएगा लॉस हो जाएगा क्योंकि इहदे विच की है डिस्काउंट हो रहा है घटेगी चीज घटेगी मतलब लॉस का मतलब घटेगी चीज ठीक है रिड्यूस होएगी चीज। तुहानू पता है पहली तुहाडे कोल इनिशियल वैल्यू दूजी तुहाडे कोल फाइनल वैल्यू है मतलब पहली चीज की होगी तुहाडे कोल मार्क प्राइस पहली चीज की होगी मार्क प्राइस होगी दूजी वाली चीज तुसी वेची है वो तुहाडे कोल की होगी सेलिंग प्राइस। क्लियर है मेरी गल। हुण जे तुहानू डायरेक्ट दित्तियां होईयां ने 30, 50, 30, 20, 50 ठीक है ते इहदे विच तुसी की कर सकदे हो मैं इहदे विच एक्स प्लस वाई वाला डे मैं इहदे विच भी वैसे लगा सकदी हां ठीक है मैं इहदे विच भी लगा सकदी हां तुसी भावें ए लगाना ए लगा लो मैं तुहानू ए भी लगा के दस सकदी हां ए की है 3/10 ठीक है जी ए साडे कोल किन्ना सक्सेसिव मेथड लगाउण लगी है इहदे विच भी 1/5 ए साडे कोल किन्ना 1/2 इही चीज है ना मतलब जदों मेरे कोल 10 सीगा मेरे कोल किन्ना आ गया माइनस हो रही है ना क्योंकि डिस्काउंट है ठीक है 7 हो गया जदों 5 सीगा मेरे कोल किन्ना हो गया 4 जदों 2 सीगा मेरे कोल किन्ना हो गया 1 ठीक है मैं देखा ओपोजिट की कटिंग हुंदी पई है 5 ते गया रहा ए 2 ते जा रहा है ठीक है जी ए मेरे को किन्ना बन गया 5 5 25 50 7 2 14 ठीक है जी वैसे आ भी कटिंग हुंदी पई है आ भी कटिंग कर लो पहला ठीक है 5 5 25 7 किन्ने का घाटा पै रहा है 15 चो 7 गए 15 चो 7 गए मेरे को 18 का घाटा पै रहा है किन्ने ते पै रहा है 25 ते पै रहा है ते मल्टीप्लाई किन्ना 100 ठीक है ए मेनू पता है 4 ते चले जाएगा 4 8 32% का की हो रहा है डिस्काउंट मिल रहा है ठीक है जी किन्ने डिस्काउंट मिल रहा है 32 का इन्हें ही मिलेगा ना चलो कम टू द नेक्स्ट हां जी एक करेक्शन कर लो तो 72 आएगा 72% का डिस्काउंट मिले ठीक है जी 14 18 18 4 ना मल्टीप्लाई करने लगे मेरे को दिक्कत होगी। हुण तुसी कहोगे कि मैम तुसी इहदे ते एक्स वाई वाला क्यों नहीं लगाया क्योंकि वह साडा पर्टिकुलर 2 वैल्यूज लई लगेगा ठीक है जो साडे कोल 2 वैल्यूज है उदो ही साडे कोल लगेगा जो सानू 2 इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिते हुए ने जो सानू 3 दे दिते ने तो असी की करना है इहदा साडा की हो गया एवरग्रीन मैथड है सक्सेसिव मैथड की है एवरग्रीन मैथड है यह तो कितने भी अपलाई हो सकता है किन्दे ते भी अपलाई हो सकता है जिन्दे ते तुसी करना चाहते हो ठीक है जी। चलो हुण इस तरह के 1-2 सम हो करते फिर असी वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करांगे। हां जी तुसी ए करवाने तो पहले मैं तुम्हें चीज कहना चाहनी दसना चाहनी हां जो तुसी मार्केट जाते हो सपोज करो उन्हें तो लिखा हो बाय 1 गेट 1 इहदा मतलब की है कि तुसी एक चीज खरीदी है एक चीज तुहानू उहदे पिछे की मिली है फ्री मिली है मतलब की है तुहानू आ फ्री मिली है ठीक है एक फ्री मिली है ठीक है मतलब आपां इहदे ते कढ़ना है कि सानू टोटल डिस्काउंट किन्ना मिलिया एक्चुअली इहदे विच इहदा मतलब इही हुंदा है सानू टोटल की डिस्काउंट किन्ना मिलिया है ठीक है जी ते इन्होंने कितना देखना होंगे जो बाय 1 गेट 1 देखना हो मैं कह कि मतलब किस परसेंट के हिसाब से मैं ईच आइटम के डिस्काउंट मिले ईच आइटम के ठीक है मैं कह कि मैं इको खरीदी है किन्ने ते खरीदिया ने दो ने ना मल्टीप्लाई 100 मतलब मैनू कि मिले 50% डिस्काउंट मिले यही गल जो इदा गई हो बाय 4 गेट 1 ठीक है बाय 4 गेट 1 कि मैं 4 चीजा खरीदिया मेनू एक चीज फ्री मिली है ठीक है जी मैं 4 चीजा खरीदिया मेनू एक चीज फ्री मिली है मैं देखना है कि मेनू किन्ना की मिले किन्ना डिस्काउंट मिले ठीक है मैं 1 चीज मेनू फ्री मिली है ना टोटल किनिया हो गई 4 + 1 = 5 मल्टीप्लाई 100 मतलब मेनू किन्ना मिले डिस्काउंट 20% मिले मेरे कहने का मतलब कि इदा दी चीजा भी तुहानू पेपर दे विच आण दे पॉसिबिलिटियां हैगियां ने ठीक है जी ते इहदा मतलब की हुंदा कि इस चीज का देख लो 4 चीजा तुसी खरीदियां गेट 1 पर तुहाडे कोल टोटल चीजा किन्नियां ने 5 ना ठीक है एक चीज तुहानू फ्री मिली एक दी फ्री वेखना एक दा किन्ना डिस्काउंट मिलिया एक फ्री है टोटल चीजा 5 ने मल्टीप्लाई 100 इदा फाइंड आउट करना है ठीक है। हुण अपने कोल जे आंगे दे स्टेटमेंट दे विच इदा चीज आएगी इदा दा की मतलब हुंदा ध्यान नाल देखना
उन्होंने की गल कही है, उन्होंने कहा सानू कि बाय फोर गेट वन फ्री एंड 10% डिस्काउंट, मतलब टू दो बारी डिस्काउंट दिता हुआ है, एक बारी आ चीज का फिर तुहानू इन्हां दिख रहा है सक्सेसिव है, एक आ ते एक आ, इनू सेपरेट फाइंड कर लो कि बाय फोर गेट वन, मतलब एक चीज से टोटल किन्ने होंगे 5 × 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ये तो दूजा डिस्काउंट है, इनू ना नाम ही प्लस ना कर देना 10%, प्लस नहीं करना, ठीक है, इन्हें तो किन्ना हो गया, मतलब 20% मिले एक बारी किन्ना मिले, ये साढ़े कोल की हो गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट नहीं हो गया, सक्सेसिव नहीं अपलाई कर देंगे, दो वैल्यूज है, हुण तुसी एक्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स प्लस वाई किन्ना हुंदा 30, ते एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस करना हुंदा एक्स मल्टीप्लाई वाई, मतलब 200/100, ठीक है, करोगे माइनस दैट मीन सानू किन्ना मिलिया डिस्काउंट 28% सानू की मिलिया डिस्काउंट मिलिया, क्लियर है जी, क्लियर है जी, 28 डिस्काउंट मिलिया, ठीक है जी, क्लियर है, हुण एवें ओवल है, हुण मैं कहां मैं 12 12 गेट 4, मतलब मैं 12 चीजा खरीदिया ते मैनू उन्दे नाल चार फ्री मिलिया, ते टोटल किन्निया हो गईया 16 ना, मेरे को आइटम्स टोटल 16 आईया, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ते ओनू अलग तो ही 4% लेके चलना है, प्लस ना कर देना क्योंकि दो डिस्काउंट मिले है, एक बारी डिस्काउंट आ मिले, एक बारी डिस्काउंट आ मिले, क्लियर है जी, यस और नो, चलो इनका फाइंड आउट करो, 4 ते गया ते ए किन्ने ते चला जाएगा साढ़े को 25 ते, ठीक है जी, 25 ते चला जाएगा, इन्हें भी भावे आही वाला अपलाई कर दो, जो दूजा अपलाई करना दूजा अपलाई कर दवो, ठीक है, तुहाडी विश है कि मतलब तुसी केड़ा किस टाइप का करना चाहते हो यूज, चलो इन्हें आप दूजे ही करते हैं, चलो इन्हें तुसी एक्स वाई वाला किया, उन्हें ते मैं तुहाडा फ्रैक्शन वाला कर लैनी हाँ, 25% का साडे कोल की हुंदा 1/4 4% का की हुंदा 1/25, मतलब जो 4 सी मेरे कोल किन्ना हो गया 3 माइनस होगा, जो 25 सी मेरे कोल किन्ना हो गया 24, ए मेरी इन्हें कटिंग होगी नहीं हुंदी भाई, ए मेरा 25 बन गया, ए मेरा किन्ना बन गया 6 × 3 = 18, आही चीज आ गई ना, ते मेनू किन्ने दा हो रहा है 25 × 18 किन्ना हो गया 7 7/ किन्ने ते होएगा इनिशियल वैल्यू ते, मतलब मार्क प्राइस ते, मल्टीप्लाई 100, मैं इन्दी कटिंग कर दूंगी 4 ते, मेरे को किन्ना आ गया 28, क्लियर है, यस और नो, और बिल्कुल सही आंसर 28% आएगा, इतने भी 28% आएगा, क्लियर है जी, यस और नो, चलो कम टू द वर्ड प्रॉब्लम्स, ए मैं तुम चीजा ता करवाइया ने क्योंकि सम्स मतलब वेरी इजी सम्स विल कम फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस सानू बहुत इजी आएंगे, पर की गल है कि आ चीजा नहीं सानू फाइंड आउट करनी आंदियां होंदियां, ते मैं तुहानू आपदे जिहड़े शॉर्ट मैथड करवाए हुए ने, एक सक्सेसिव मैथड करवाया, एक एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला करवाया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है, ए दो किदा अपलाई करनी है, किथे किथे अपलाई करना है, इन्दा मतलब की हुंदा, बजाय कि मैं तुहानू क्वेश्चन आंसर दे विच करवांदी, मैं तुहानू इत्थे थोड़ी जिही सिंपल जी एग्जाम्पल्स करवा दित्ती है कि जदों हुण असीं क्वेश्चन आंसर करांगे सानू प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस तो पहला मैं तुहानू दसना चाहूंगी, हां जी ये पंजाब दे एग्जाम्स दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दा, इन्दा लिंक भी हर वीडियो दे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच अवेलेबल है, जिन्हां दी पीडीएफ नहीं खोल रही हो, जिप फाइल्स हुंदियां ने, ठीक है, जिप फाइल्स हुंदियां ने, उन्हां नूं कन्वर्ट करो तुसीं, तुहाडे अपने आप ओपन हो जाणगियां फाइल्स, ठीक है जी, नेक्स्ट है पंजाब दी जीके, तुहानू इस तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ असीं इस अवेलेबल किया होया थ्योरी विद एमसीक्यूज एंड सेम विद द कंप्यूटर्स, ठीक है, ओके चलो कम टू द नेक्स्ट, यस हां जी, ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक चीज होर माइंड चाहिए, देखो जदों सानू प्रॉफिट ते लॉस दा परसेंट दिता हुंदा सीगा, ठीक है, प्रॉफिट ते लॉस दा परसेंट दिता हुंदा सी, असी किंदा किंदा रिलेशन बिल्डअप करदे सी विच सीपी दा ते एसपी दा, जिदा मैनू 1/4 दिता होया सी, मैं इनू सीपी लै लैंदी सी, इहदे विचों इनू माइनस जां प्लस जो भी सानू लॉस या प्रॉफिट दिता हुंदा सी, मैं एसपी फाइंड आउट कर लैंदी सी, ठीक है, इदां ही जदों मैनू डिस्काउंट परसेंट दिता हुंदा सीगा, हुण जिदा आपां डिस्काउंट दे कीते आ, ते उदों आपां की कढ लैंदे सीगे एसपी ते मार्क प्राइस ते सैलिंग प्राइस दा रिलेशन, तुसी इन्हां विच की देख रहे हो कि सैलिंग प्राइस तां इत्थे भी आ रहा ते इत्थे भी आ रहा, ठीक है, मतलब मेरे को दोनों विच सैलिंग प्राइस आ रहा है, ते जे मैं सैलिंग प्राइस दे अकॉर्डिंग मतलब मैं इन्हां नूं इंटरमीडिएटर मान के इन्हां दोनों विच रिलेशन कढ़ना होवे, ठीक है, ते मैं इन्हां दा रिलेशन कितना फाइंड आउट करूंगी, मेरे को की हुंदा एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट
अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, जब भी तुम इदा के कोई क्वेश्चन आएंगे तो तुम हमेशा आ चीज अप्लाई करनी है। क्लियर है मेरी गल कि मैं एसपी दोनों दे विच की सीगा इंटरमीडिएटर मान लिता। ठीक है, क्योंकि दोनों दे विच एसपी की सीगा कॉमन सीगा। ठीक है, ते मैं की कर लिता, मैं की कर लिता, मैं एमपी ते सीपी दा रिलेशन देखना सी। मेरे को एमपी दा की आ जाएगा, एमपी अपॉन सीपी की आ जाएगा। जो भी मैं फाइंड आउट करना होगा एमपी ते सीपी दा, मार्क प्राइस ते कॉस्ट प्राइस दा मैं कढ़ना होगा, रिलेशन कढ़ना होगा, ते देन आई विल अप्लाई ऑलवेज दिस थिंग। पर जो उन्होंने की गल कही हो फॉर प्रॉफिट, दिस इज फॉर प्रॉफिट, बट जे मैं लॉस क्या है फॉर लॉस, तो मैं की कर लूंगी, मैं सिर्फ इतने की कर लूंगी माइनस का लॉस कर लूंगी, क्योंकि लॉस का मेनू की होंगे हमेशा घाटा, मतलब मेनू घाटा होया, मतलब 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, सीपी अब की हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट का हमेशा माइनस ही होंगे। क्लियर है इन गल? ठीक है जी, ए वाली गल की क्लियर होगी। जे सानू बाई चांस किसी सम दे विच एमपी ते सीपी दा रिलेशन फाइंड आउट करन आंदा है, तुसी आ चीज अप्लाई करके आपदा फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हुन आपां वर्ड प्रॉब्लम करन लगे हैं। यस, देखो उन्होंने की गल की, इफ द डिफरेंस बिटवीन वन डिस्काउंट ऑफ द 30%, एक डिस्काउंट दिता है सानू 30% दा, एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द दिस, मतलब इन द इस डिस्काउंट ते इस डिस्काउंट दा सानू, इफ द डिफरेंस बिटवीन द वन डिस्काउंट ऑफ 30% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस इज रूपीज 170, मतलब आ डिस्काउंट एक है, आ दूजा डिस्काउंट है, आ सक्सेसिव है, ए इंडिविजुअल है। ठीक है, इन्हों दोनों का डिफरेंस कितना दिता हुआ है 170। असि की करना, मार्क प्राइस कढ़ना है। किदा कढ़ांगे? तुहानू सब की परसेंटेज दा फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 3/10 इनकी किन्नी हुंदी है 1/5। ठीक है, इनकी किन्नी हुंदी है 1/10। इनी गल क्लियर है? इनी गल क्लियर है? मेनू भावे तुसी इनू 30% ही रहन दो, भावे तुसी इनू 30% ही रहन दो, तुसी तुहानू आ सक्सेसिव दिता है ना, इन्हू भी ना भावे करो। ठीक है, इन्हों सक्सेसिव नू जे मैं ओ वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दवा एक्स प्लस वाई वाला, तो मेरे को 30 - 200/100 नहीं आ जाएगा, मतलब मेरे को किन्ना आ गया, इन्हें मेरे को किन्ना आ गया 28 आ गया, 28% आ गया ना, टू सक्सेसिव, इन्हों दोनों का मेनू डिस्काउंट, इन्हों दोनों का एक्चुअली मेनू डिस्काउंट किन्ना आ गया 28%। मेनू क्या किया उन्होंने स्टेटमेंट च, इस डिस्काउंट का इस डिस्काउंट का डिफरेंस दिता कि 170, मतलब 30% का माइनस कि 28% का कि दिता मेनू 170, मेरे को 2% कि आ गया 170। क्लियर है इनी गल? यस और नो? आ मेनू दो सक्सेसिव दिते सी, आ मेनू कला दिता सी। ठीक है, आप लास्ट विच किया ना बाय वन गेट फोर, इको दिता हों, इको दिता हों, डिस्काउंट कढ़ने डिस्काउंट हों, हुण इहदे विच उन्होंने डिफरेंस दिता सीगा दोनों ने डिस्काउंट का, मैं डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, मेरे को इन्ना हुंदा ते कितने इक्वल हुंदा मैं भी कर लिया। हुण उन्होंने सानू गल की कही है कैलकुलेट कड्ढो, करो कि मार्क प्राइस करो, की करना कैलकुलेट मार्क प्राइस, ए तुहानू किन्ना दिता हो गया डिस्काउंट, मार्क प्राइस तुसी इहदे ते कढ़ना है, ते मार्क प्राइस किहदे ते हुंदा है 100 दी वैल्यू ते, ते जे मैं दोनों पासे 50 नाल मल्टीप्लाई करदा, मतलब इहनू 100 बनाना है, मैं इनू 100 बनाना है, क्योंकि 100% की हो गया साढ़े को एक मार्क प्राइस लेके चल पो, उन्हें 2% की हो गया मेनू डिस्काउंट हो गया। ठीक है, दैट मीनस जी मैं इनू 100% बनाना है, तो मैं इनू की करूंगी मल्टीप्लाई 50 नाल, जे मैं इनू 50 नाल मल्टीप्लाई करूंगी मेनू उन्हू भी करना पेगा, तो दैट मीनस मेरे 100% की वैल्यू किन्दे इक्वल आ गई 8500 दे, ते मेरा आंसर की हो गया आ, मेरे को मार्क प्राइस किन्नी है 8500। क्लियर है जी कि एदा सीगा सिंपल जा क्वेश्चन। ठीक है, डिस्काउंट वाला ही यूज हो रहा है, की हो रहा है देख लो, डिस्काउंट का दो सक्सेसिव का मैं यूज किया है। ठीक है, क्लियर है जी? ठीक है, तुसी इत्थे दूजा भी अप्लाई कर सकते सी, पर सानू दो ही वैल्यू सक्सेसिव दी गईयां सीगियां, तां करके मैं ओ मतलब कह लो कि इस टू सक्सेसिव इक्विवेलेंट गल इक्को ही हुंदी है। ठीक है जी, ते मैनू जे इही गल ही कही सीगी ते मैं क्यों ना शॉर्ट यूज करूंगी। क्लियर है, टू वैल्यू सीगियां ना, जे मेरे को 3 हुंदी है ते फिर मैनू आपदा दूजा ही करना पैणा सी सक्सेसिव वाला मैथड। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हां जी, इस की क्या है, ए शॉपकीपर सेल एन आइटम, सेल एन आइटम ऑफ रुपीज आएगा, इन रुपीज नहीं, ऑफ रुपीज इन्ने आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ इन्ना। ठीक है, वह कहें इन्ने का बेचद है, ये उनकी की बन गई सेलिंग प्राइस।
ठीक है, ए डिस्काउंट बन गया, ए डिस्काउंट बन गया, बट ही गिव्स, ध्यान समझना, ही गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेसिंग ऑफ 13 आर्टिकल, मतलब की है एक डिस्काउंट तो आ दे रहे हैं, ठीक है, एक डिस्काउंट कितना हो गया, आ वाला हो गया, क्लियर हुई मेरी गल की नहीं हुई गल, उन्होंने की गल कही है कि वो 3 आर्टिकल फ्री दिंदा है ऑन परचेसिंग ऑफ 13 आर्टिकल, एक तो डिस्काउंट आ हो गया ताही वो कहते ओनू सैलिंग प्राइस इनी पई है वेचन तो आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, इन्ने का डिस्काउंट पाके मैनू पता है मेरे को इनका डिस्काउंट कितना आ गया 1/7, ठीक है, एक डिस्काउंट उन्हें आ दिता, ए डिस्काउंट किदा दिता ध्यान ना देखना, 3 आर्टिकल फ्री दिते ने किन्ने परचेस करन ते 13 परचेस करन ते, मतलब 3 आर्टिकल फ्री ने किन्ने परचेस करन ते 13 परचेस करन ते, टोटल किन्ने हो गए 16, क्लियर है, इनी गल मेरी क्लियर है, मैं वो भी फ्रैक्शन कट ली, वो भी फ्रैक्शन कट ली, हूं मैं की करूं, मैं अप्लाई कर दूंगी सक्सेसिव मेथड, किदा जदो मेरे को 7 सीगी उदो मेरे को किन्नी होगी 6, जो मेरे को 16 से मेरे को किन्नी होगी 13, डिस्काउंट हो रहा है ते माइनस होएगी, ठीक है जी, इनकी कटिंग हो रही है, इनकी हो रही है 3 ते, इनकी हो रही है 8 ते, 7 8 56, 13 3 39, ए मेरे को की होगी मार्क प्राइस, ए मेरे को की होगी सेलिंग प्राइस, क्लियर है मेरी इनकी गल, हूं उन्होंने की गल कही है, हूं उन्होंने की गल कही थी सानू, उन्होंने कहा आ उन्हें वेचन की कोस्ट लगाई सी, मतलब मेरे को 39 किन्ने इक्वल हो गया 780 दे, ते एक किन्ने इक्वल आ जाएगा 20 दे, कटिंग करांगे 20 दे, 39 2 सा कितना हुंदा है 78, 20 आ गया, फाइंड आउट करने नु की गल कही है, कैलकुलेट मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मेरे को कितनी 56, मैं 56 नु 20 नाल की कर दूंगी मल्टीप्लाई, 2 6 12 5 2 10 ते 11 1120 मेरा की आ जाएगा आंसर, वेरी सिंपल वेरी इजी, यू जस्ट फाइंड, मैं तुहानू ताही डिस्काउंट समझाते टाइम लगाया सी कि तुम देखो इत्थे तुहानू आ चीज दित्ती है, ठीक है, तो तुम इजिली फाइंड आउट कर लेना, जे मैं तुम्हें हूं समझा बैठ दी तो बहुत टाइम लगना सी, हूं सानू कैलकुलेशन का घट टाइम लग रहा है क्योंकि असि आ चीजा तो पहले समझ के आए हुए हैं जो मैं तुम्हें कॉन्सैप्ट क्लियर किया, क्लियर है, कम टू द नेक्स्ट, हां जी, अबे मार्क्स अप, मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 40%, मार्कअप, मार्क्स अप मैं तुम स्टार्टिंग दसिया ना असि मार्कअप की होंगे, सपोज करो थोड़े कोस्ट प्राइस किसी चीज की 100 है, ठीक है, मतलब तुम चीज 100 रुपए की पई है, तुम ओंदा चाके मार्कअप, ओंदा मार्कअप मतलब वधा दिता, मार्कअप मतलब ओंदा वधा के 140 कर दिता, ठीक है, ठीक है, तुम खुद किया ना मार्कअप मतलब विचकार वाला किन्ना हो गया, मतलब तुम 40 रुपए वधा के ओंदे ते MRP कर दिता, क्लियर है जी, ठीक है, 40% एंड अलाउ 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट दे दिता ओंदे ते बाद च, ही गिव्स फिर की करता है, ही गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेसिंग ऑफ 15 आर्टिकल, मतलब वो दूजा डिस्काउंट फिर दे रहे हैं, दूजा डिस्काउंट फिर दे रहे हैं, देखो दो डिस्काउंट दे रहे हैं, ए वाला डिस्काउंट की है एक आर्टिकल ते वो कहते एक आर्टिकल दे रहे हैं फ्री परचेसिंग ऑफ 15, ते टोटल कितने हो गए 16, एक साडे कोल आ डिस्काउंट हो गया, एक साडे कोल डिस्काउंट हो गया आ, क्लियर है, मतलब मेरे को इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, जो 16 सी 15, जो 5 सी ते 4, ठीक है, ए दे कटिया गया, ए दे कटिया गया, ठीक है, मतलब मेरे को आ गई 4 ते 3 वैल्यू आ गई, क्लियर है, 4 ते 3 का मतलब मेरे को 1 दी आ गई, मतलब 1 4 ते 3 आ गई ना, ठीक है, 4 ते 3 आ गई, मतलब मेरे को कितना हो गया इन एक्चुअली मेरे को डिस्काउंट कितना हो गया 1 का, मैं देखना कट्ठे का डिस्काउंट मैं कट लैनी हूं, 1 ते कितना देखना मार्क प्राइस का मल्टीप्लाई 100, मतलब किन्ना टोटल 25%, मतलब टोटल उन्हें आर्टिकल ते 25% डिस्काउंट दिता, ठीक है, इनी गल क्लियर होगी, हूं उन्होंने की गल कही है, उन्हें मार्कअप किन्ना किया 40%, असि एक्चुअली विच कढ़ना उन्हें किन्ना गेन किया, उन्हें गेन किन्ना होया, देखो ये चीज ध्यान समझना, हूं देख किन्ने ते मार्कअप किया, सपोज कोस्ट प्राइस 100 है, ओबियसली मार्क किन्ने ते करते हैं आपां कोस्ट प्राइस ते ना, कि साडी जेब चो असि कोई चीज खरीदी है, मैं 2 रुपए की खरीदी है, ठीक है, मैं उन्होंने भावे 10 च वेचा भावे उन्होंने मैं 20 च वेचा, ठीक है, मैं उन्होंने चाके 2 रुपए सीगा उन्होंने प्राइस मैंने 2 रुपए पिया, मैं उन्होंने जेड़ा मार्कअप मैं आपके वालों रेट लगा दिता, मैं 20 लगा दिता, ठीक है, एवं उन्हें की गल कही है, कोस्ट प्राइस उन्होंने 100 सी, ठीक है, मार्क प्राइस उन्होंने की बंदा वधा दी 40%,
मतलब प्लस 40% किता ते वैल्यू कितनी प्लस हो जाएगी 40 मतलब 140 बन गई। इनी गल क्लियर है। फिर उन्होंने की गल कही है डिस्काउंट दा, दो डिस्काउंट दिते ने, मैं दो डिस्काउंट की वैल्यू कट चुकी 25%, मतलब इन्दे ते किन्ने दा डिस्काउंट दे दिता माइनस का 25% डिस्काउंट दे दिता, माइनस 25% मतलब 140 दा, 140 दा 25% की हो जाएगा 54 मतलब 35 माइनस दे 35 ठीक है, माइनस दे 35 रुपए कटे गए तो किन्ने बचे उनके कोल 105 रुपए बचे ठीक है, 105 रुपए बचे। तो दैट मीनस की है उनके कोल किन्ने बचे उनके कोल मतलब सेलिंग प्राइस की बन गया एक्चुअली दे विच 105 रुपए बन गया, उन्हें सेलिंग तो किन्ने का किया 105 रुपए का। हुन आपा की कढ़नी है वैल्यू, आपा कढ़ना गेन परसेंट, कोस्ट प्राइस 100 सी, सेलिंग प्राइस कितनी है 105 ते किन्ने दा गेन होया 5% दा, ते 5% मेरे को की आ गया आंसर। क्लियर है जी, यस और नो? ठीक है, चलो आज का लेक्चर आप इत्थे खत्म करते हैं, कल आप फिर अगो टॉपिक करांगे, इंपोर्टेंट चीजा ने सारिया चीजा कवर करवानियां, कोई भी तुहानू किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी जे तुसी इन्हां चीजा नू चंगे तरीके नाल समझ लोगे। ठीक है, चलो मैं होप करती हूँ तुहानू मेरी वीडियोज की समझ आ रही है और लाइक कर रहे हो, तो प्लीज मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर भी करो और लाइक भी करो। थैंक यू, कल मिलते हैं।